ये मायूस चेहरा, ये मायूस चेहरा, ये नम आंखें। जी महाराज। आखिर रानी दमयंती में तुम्हारी खामोशी का कारण समझ नहीं पाया। खामोशी? हाँ। चेहरा मुरझा रहा है जो कभी हंसता खिलता रहा करता था, जो जिस चेहरे पर कभी रौनक रहा करती थी, वो रौनक आज तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। रौनक तो मेरी बहुत पहले ही जा चुकी है महाराज। फिर? लेकिन लेकिन आपके साथ बियाबान जंगल में जैसे आप रह रहे हो ऐसे मैं ही रह रही हूँ। अगर आप भूखे हो तो भूखी मैं भी हूँ, अगर आप प्यासे हो तो प्यासी मैं भी हूँ महाराज। मैंने पहले भी मना किया था कि रानी दमयंती तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने पीहर चली जाओ। हाँ कहा था आपने। फिर? लेकिन आपको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला महाराज। लेकिन मुझे अब भूख से व्याकुल, मुझसे अब समय नहीं कटा जा रहा है, आगे कदम नहीं चल रहे हैं। अरे तुम्हारी भूख मिटाऊं तो रानी दमयंती कैसे मिटाऊं? ना तो यहाँ खाने के लिए कोई अन्न दिख रहा है, ना कोई ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जिसके ऊपर फल लटक रहे हो। मैं तुम्हारी भूख मिटाऊं तो कैसे मिटाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। जो मैं कहूं महाराज केवल वो कीजिए। जो तू कहेगी मैं वो कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई तो उपाय बताइए। तो सुनिए मेरी बात महाराज। प्राण लिकड़े जा महाराज। क्या? ये टोले के टोले भी रहती तरपिया इधर मार गए रे न्याणा रे पिया इधर मार गए न्याणा प्राण लिकड़े जा के भूखी ये।
हो गया मेरी री अकल ने तनु से बाने मेरे पास नहीं के से आजमाऊ बल ने हो रने ने धोती है की राजा नले ने तीतर धोती ले उड़ गे नड़ा राजा भड़ा रे बिछाड़ा साड़ी फाड़ के